गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आई है। ठीक है, हम इसमें बातें करेंगे कि आपकी सच्चे तारीख तक जो ज्वाइनिंग का टाइम खत्म हो गया है, उसके बाद आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है और कुछ ऐसी नॉलेज जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए अपनी ड्यूटी से रिगार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो जिन जिन की 17 तारीख तक नियुक्ति हो चुकी है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, आप सभी लोग अध्यापक बन चुके हैं। ठीक है, अब उसकी आगे की प्रक्रिया आप सभी को पता है। ठीक है, आप लोग जो है, आप लोग को कुछ कुछ चीजें जो है पता होनी चाहिए। देखिए, आपको ना 15 दिन का टाइम दिया था, 11 तारीख से ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी और आपको बोला था कि आपको 15 दिन के अंदर जो है आपकी पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना था। तो अगर आप लोगों ने 17 तारीख से सिर्फ ज्वाइनिंग ली है और आप किसी कारणवश पुलिस वेरिफिकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास अभी भी एक हफ्ता है। तो आप लोग अपने दोनों ही डॉक्यूमेंट जो है टाइम से जमा कर दें। ठीक है, एक्सटेंशन का वेट ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है वो आपको टाइम दे, क्योंकि TWD की पूरी प्रोसीजर जो है अभी पेंडिंग में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है या पुलिस वेरिफिकेशन आपको कैसे बनवाना है, डिजिटल चलेगा या ऑफलाइन चलेगा, ये सभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है दोनों ही टॉपिक्स को लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, जो मैं कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो ये है कि महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी के लिए छुट्टियां होती हैं। ठीक है, वो कितने कितने दिन की है। देखिए, तो ये एक आदेश था, पहले आया हुआ था, लेकिन अभी मेरे को याद आ गया क्योंकि आप लोग ने ज्वाइनिंग तो अभी लिया, तो जरूरत अभी पड़ेगी आपको CL की या छुट्टियों की। ठीक है, तो इसीलिए मेरे को लगा कि मुझे ये वीडियो अभी अपलोड करनी चाहिए ताकि रिसेंटली आपको ये इन्फो जो है मिल सके। देखिए फ्रेंड, ये आया तो इस टाइम था, जुलाई में आया था, लेकिन फिर भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, विषय देखिए, सभी महिलाएं कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश CL स्वीकृत करने बाबत। ठीक है, तो ये महिला कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक ये आपको दे रखा है, दिनांक कितने को, इतने के रिगार्डिंग है, मतलब उस टाइम था। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विषय अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 11 दिसंबर 1964 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया गया था। आप सभी को पता है मेल्स के पास 13 या 14 दिन का होता है। ठीक है, फीमेल्स के पास भी पहले इतना ही था, लेकिन अब आपके जो दिन है वो 7 दिन बढ़ा दिए गए। किसके लिए, फीमेल्स के लिए। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश CL दिया जाएगा, जिसे वह अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सके। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फीमेल शिक्षिका हैं, कि आप लोग अपनी पूरी साल में अब 20 CL जो है वो ले सकती है। ठीक है, दूसरा कुछ क्या होता है ना, कि अगर आपको, आप लोगों ने नियुक्ति ली होगी, जिन लोगों ने, आपने देखा होगा कि आपको जो संकुल से या DEO ऑफिस से लेटर मिला होगा, उस पर एक लाइन लिखी होगी, इस पर लिखा होगा कि किसी भी प्रकार का अवकाश देह मान्य नहीं है जब तक आप परिवीक्षा अवधि पर हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना, जब आप ये लेटर हेडमास्टर जी को सबमिट करते हैं तो वो आपको वो लेटर दिखाकर बोलते हैं, देखो अब किसी भी प्रकार की छुट्टियां मत लेना आप। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके संकुल ने और आपके DEO जो है उन्होंने लिख कर दिया है कि आपके लिए कोई भी अवकाश जो है वो मान्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, परिवीक्षा अवधि हो या आपके रेगुलर बेसिस पर हो, अगर आपको CL की जरूरत है तो आप जरूर उनसे बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रूल भी दिखा देती हूँ, रूल बुक में मैंने कल परसों ही ये बात पढ़ी थी कि परिवीक्षा अवधि पर भी आपको अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आप CL लगा सकते हैं। लेकिन होता यही है कि आपके हेडमास्टर या कोई भी जो होते हैं वो, क्योंकि आपको छुट्टियां नहीं देना चाहते, उससे उनका काम जो होता थोड़ा बिगड़ जाता है, तो वो लोग मना कर देते हैं। लेकिन आप अपने हक के लिए मांग सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप परिवीक्षा अवधि में भी डेफिनेटली CL लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बात ये हो गई, आप फीमेल्स की जो कंप्लीट CL है एक साल में वो 20 हो गई और मेल्स की जो है वो 13 होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले की। देखिए, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका, तो लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन ले, तो आप लोग कमेंट में ना लिखे कि मैम क्लियर नहीं था सेकंड वाला, क्योंकि ये ऑलरेडी क्लियर नहीं है, ये वीडियो में ही क्लियर नहीं आया, स्क्रीनशॉट में ही क्लियर नहीं था, तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या लिखा। शिक्षकों ग्रीष्म अवकाश में ऑन ड्यूटी रहने पर अर्जित अवकाश की पात्रता घोषित करने के संबंध में, ये इसका विषय है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको डिफाइन करूं,
कि इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको बताती हूँ। उपयुक्त विषयांतर्गत मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा ज्ञापन इतना दिनांक इतने को जारी किया था 13/8 को, द्वारा उपयुक्त सुविधा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्राम आवश्यक अवधि में शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को अर्जित अवकाश स्वीकृति के प्रशासकीय अधिकारी निर्धारित किए गए हैं। संलग्न संदर्भित पत्र द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप अर्जित अवकाश ऋणों को एवं संबंधी को अनावश्यक कठिनाई का सामना कर देखो होता क्या है ना फ्रेंड्स कि जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं आप सभी की जो स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं जब उनकी छुट्टियां पड़ती हैं तो होता क्या है कि जो आपके स्कूल के जो शिक्षा अधिकारी होते हैं जैसे मान लीजिए आप कोई भी हेडमास्टर हो गया या कोई भी सीनियर टीचर हो गई वो आप लोगों को ना ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं कि आप आकर हाजिरी दीजिए। नए टीचर्स स्टूडेंट्स की तो छुट्टी हो जाएगी लेकिन टीचर्स को डेली प्रेजेंट होना पड़ेगा या फिर आप अपनी छुट्टियों पर होते हैं अपनी जगह और वो आपको कॉल कर बुला लेते हैं। ठीक है तो आपको ना अपनी हक की कुछ बातें पता होनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि अभी आप लोग जो है प्राइमरी टीचर ऐसा बताओ प्राइमरी टीचर आप लोग नियुक्त हुए हैं। ठीक है तो होता क्या है ना ठीक है ये कोई भी ऑफेंसिव मत होना इस बात को लेकिन होता यही है जनरली कि जो हेडमास्टर जो जी होते हैं और आपकी कोई भी सीनियर टीचर्स होती हैं तो वो क्या करती है फिर जो पहले से अपॉइंट होते हैं वो लोग क्या करते हैं ना कि आप लोगों को उतना नहीं पता होता है कि रूल क्या क्या है क्या क्या गवर्नमेंट ने न्यू रूल लागू किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे। तो आप अपने हक के लिए बोल सकते हैं ये लेटर दिखाकर कि इस टाइम ये जारी किया गया था और जब हमारी ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन अवकाश होगी तो आप हमें किसी भी प्रकार के काम पर नहीं लगाएंगे तब तक जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता। ठीक है तब तक जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता कि आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में लगा दिया गया लाइक बोटिंग में या किसी भी ऐसी चीज में लगा दिया वो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग अपने आप आपसे कहे कि नहीं आपको आना है छुट्टियों में आपको हाजिरी देनी है तो वो ऐसा नहीं होता लेकिन कुछ कुछ स्कूल्स में ऐसा बोल देते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स तो मैंने आपको तीन चीज बता दी पहले फीमेल्स के लिए छुट्टियां जो है वो इंक्रीज हो गई है दूसरी ये बता दिया मैंने कि आप परिवीक्षा अवधि में भी छुट्टियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी सीएल जो है वो लगा सकते हैं क्योंकि आप लोगों को वो लेटर दिखाकर यही बोलेंगे कि देखो इसमें जो है अलाउड नहीं है तो हम आपको नहीं देंगे लेकिन आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है तीसरा आप लोग अगर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं इनको कोई छुट्टियां मिलती हैं 7-8 दिन की अब तो उसमें आप लोगों की ग्रीष्मकालीन अवकाश में आपकी भी छुट्टियां रहेगी आपको किसी भी प्रकार के किसी भी काम में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स की जो कि रिसेंटली बहुत हॉट टॉपिक बने हुए हैं वो ये कि ओबीसी के कैंडिडेट्स को विदहोल्ड क्यों किया गया है 800 कैंडिडेट्स जो है वो रह गए हैं फ्रेंड्स तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। दूसरा यह कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है चाहे बीएड बीटीसी को लेकर जो आया है उसके संदर्भ में हम कुछ बातें जो है वो कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स तो फिर क्योंकि अभी मैंने ना अभी वीडियो बनाया है तो उससे क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी वीडियो बनाया है। ठीक है तो मैं इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस नहीं कर पाई तो अभी हम कर लेते हैं। बाकी अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी फर्दर क्वेरी है आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी थी और मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। खैर कोई बात नहीं देखिए तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। ठीक है तो देखिए अभी लोगों का क्या कहना है कि कोर्ट ने एनसीटी गजट की नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। ठीक है क्योंकि उन्होंने गजट निकाला था तो उसमें बीएड बीटी से दोनों को मान्य किया था उसको खारिज कर दिया है लेकिन अभी कोर्ट की जो है ना फ्रेंड्स ऑर्डर कॉपी नहीं आई है जिसमें ये नहीं लिखा हुआ है क्लियरली कि इसके लिए कोई ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा या इसके लिए कुछ और कोर्स कराया जाएगा या फिर हमने कंप्लीटली खारिज कर दिया है ऐसा कुछ भी जो है फ्रेंड्स अभी नहीं आया है। ठीक है हाँ ये बात है कि उन्होंने जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था उसको कम्प्लीटली खारिज कर दिया लेकिन अभी कोर्ट ने ना अपनी ऑर्डर कॉपी जो है कि इसमें रिटर्न में जो है वो पब्लिश नहीं की है और अभी जो वकील जो है जिन्होंने केस लड़ा वो भी क्लियरली कुछ बोल नहीं रहे तो आप लोग अभी नॉर्मली टेंशन ना ले जितने भी बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है अभी बस ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। एक्चुअली हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कि राजस्थान के थे उन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि बीटीसी वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए और बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो सेकेंडरी के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए मिडिल के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए। ठीक है तो हुआ यह था कि क्योंकि उनके हाईकोर्ट पर बहस चली तो वो तो अपना केस जो थे राजस्थान हाईकोर्ट में जीत गए और उन्होंने यही याचिका सेम सुप्रीम कोर्ट में लगा दी। ठीक है कुछ तथ्य पेश किए गए होंगे दोनों की साइड से
और जो ज्यादा मजबूत रहा होगा वो केस जो होता है आपको पता होता है वो जीत जाता है, क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है। वो हम सुप्रीम कोर्ट आपको भी पता है एक ऐसी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के अंडर में वर्क नहीं करती। आप लोग ये अच्छे से जान ले, दिमाग में बिठा ले, सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम पावर है, हाई पावर है, वो गवर्नमेंट के अंडर वर्क नहीं करती है। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करती है, ठीक है। हाई कोर्ट जो है कहीं ना कहीं लिंक हो सकती है किससे, गवर्नमेंट से, बट सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो होते हैं फ्रेंड्स निष्पक्ष होते हैं, वो किसी भी तरीके से किसी एक साइड के फैसले नहीं लेती है, वो तथ्यों के निर्णयों के बेसिस पर जो होते हैं अपने निर्णय लेती है, ठीक है। अब उन्होंने गजट को खारिज किया, इस बात का राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा है कि अपने राज्य में अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं या ये देखिए। अब हुआ क्या ना, उन्होंने एनसीटी गजट को तो खारिज कर दिया, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ये ऑर्डर कॉपी जो है ये निकली नहीं है किसमें, रिटिन में, तो देखिए सर उसमें जो लिखा होगा वो मान्य होगा, ठीक है। अगर उसमें ये लिखा होगा कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो है रूल्स को अपनी अपनी स्टेट में लागू कर सकती है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो बीएड वाले कैंडिडेट्स को अलाउ कर देगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी भर्ती कर ली है और अभी भी कई कैंडिडेट्स ने ज्वाइनिंग ले ली है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑर्डर कॉपी में ये लाइन नहीं लिखती है कि कोई भी राज्य अपने हिसाब से नियम बना सकते हैं, ठीक है, अगर ये लाइन नहीं लिखती है और वो ये लिख देती है कि ये जो नियम है जो अभी बनाया है, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ है, इसको सभी गवर्नमेंट से, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को मान्य करना ही होगा, ये कंपलसरी या मैंडेटरी, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिख देती है फ्रेंड्स, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट हाईकोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाईकोर्ट आता है, हाईकोर्ट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है रिटन कॉपी पर, जो कि ऑर्डर कॉपी उन्होंने बनाई है, जब वो उसको पब्लिश करेंगे गवर्नमेंट्स को, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स उनको भेजेंगे, उसमें ये पता चलेगा। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, तो देखिए मैं किसी के साइड बातें नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं नॉन बायस्ड हूँ, मैं किसी के साइड नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक फैक्ट बातें कर रही हूँ जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है आप लोगों को अपने हक के बारे में पता हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में देखा होगा, तो उसमें नीचे ना दो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है वो कोर्ट के निर्णय के अधीन। उन्होंने ये बात बहुत ही क्लियरली मेंशन किया फर्स्ट काउंसलिंग के नोटिफिकेशन को देखिए, सेकंड के, तो गवर्नमेंट ने ये बहुत ज्यादा आप कह लीजिए चालाकी की है या कुछ भी किया है, वो लोग, उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ये केस चल रहा है, अगर वो चाहते तो दो साल का इतना बड़ा पीरियड था वो अपने कोर्ट में, अपने सॉरी स्टेट में कुछ ना कुछ कोर्स जो थे वो लागू कर सकते थे उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बीएड किया है, लेकिन गवर्नमेंट बैठी रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो मुद्दों पर लगी रही, उन्होंने कोई कोर्स जारी नहीं किया कि ब्रिज कोर्स के लिए कोई हम लोग कुछ भी भेजें जिससे वो स्टार्ट हो, जिससे बीएड वाले कैंडिडेट्स को लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो सब कुछ अभी डिपेंड करता है रिटन फॉर्म की ऑर्डर कॉपी पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी साइड से निकाली होगी और वो जिसको जब गवर्नमेंट को भेजेगी तो उस कॉपी में जो लिखा होगा गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेगी। अगर उसमें ये लिखा होगा कि सारी गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग जो है इसको नियम को लागू कर सकती है, तो डेफिनेटली बीएड वालों के साथ कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। लेकिन अगर उसमें ये लिखता है कि नहीं, आपको ये नियम मैंडेटरी सभी रूल्स में, सभी स्टेट्स में रूल जो है अप्लाई करना पड़ेगा और इस साल से या इस भर्ती से करना पड़ेगा, तो देखिए फिर स्टेट गवर्नमेंट फैसला ले सकती है बीएड वालों के खिलाफ, ठीक है, साफ सीधी बात है। अगर गजट को रद्द कर दिया गया तो केवीएस पीआरटी की कट ऑफ, ये तो एक पीआरटी के ऊपर है कि केवीएस की, आप सभी को पता है कि केवीएस के जो है रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि आपको पता है कि बीएड वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो भरते हैं पीआरटी में, तो वो तो एक अलग मुद्दा था, उसके लिए बनाया था मैंने, ठीक है। लेकिन तो अभी आप टेंशन ना ले, जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली है, खैर अब तो 17 तारीख निकल गई, अब डेट एक्सटेंशन होती है, अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो आप लोग ले लीजिएगा पहली बात। और आप सभी को पता है पीडब्ल्यूडी में जो दो अलीराजपुर और डिंडोरी जो डिस्ट्रिक्ट रह गए थे उनके नियुक्ति आदेश भी जो है जारी हो गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो टीडब्ल्यूडी का प्रोसीजर बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें जो टीडब्ल्यूडी के लिए वेट कर रहे हैं, ओके फ्रेंड्स। तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, बाकी आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम अगर हमें लगेगा कि किसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा कमेंट आ रहे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर एनालिसिस कर आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोग, मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि बीएड वाले हो चाहे बीटीसी वाले हो, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, क्योंकि देखिए निष्पक्ष चीज निष्पक्ष होती है,
ठीक है, अगर पीआरटी अगर बीटीसी वालों को बीएड वालों की जगह पर अलाउड नहीं किया जा रहा है तो देखिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसी अकॉर्डिंग फैसला लेगी कि बीएड वालों को भी उस जगह अलाउड किया जाए नहीं किया जाए। ठीक है, मेरी तरफ से कोई फैसला नहीं है, किसी की तरफ से भी कुछ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है तथ्यों के ऊपर चलती है, उसके सामने बहुत सारे प्रमाण रखे गए होंगे बीएड की तरफ से भी और बीटीसी की तरफ से भी, उन्हें जो सही लगा होगा उन्होंने मान्य किया। अब उनकी रिटर्न कॉपी पर सारा फैसला डिपेंड करता है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, इसके लिए ना सही किसी और के लिए सही, रुके नहीं आप बिल्कुल भी। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि कोई नई खबर नहीं आती, शुक्रिया।